हदीस अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदिल्लाहु अन्हुमा फी सही मुस्लिम की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे और ऊपर से दरवाजे खुलने की आवाज है, यानी आसमान से दरवाजा खुलने की आवाज है। तो दोनों ने ऊपर देखा तो जिब्रील फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह, आज अल्लाह सुब्हानहु तआला ने मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, अगर एग्जैक्ट वर्ड्स बताऊं तो आज ऐसा फरिश्ता नाजिल हुआ है जो पहले कभी नाजिल नहीं हुआ, बल्कि आपने पहले फरमाया कि आज ऐसा दरवाजा खोला है आसमान का जो कभी पहले नहीं खोला। और फिर जब फरिश्ता को देखा तो कहा कि आज ऐसा फरिश्ता उतर रहा है, नाजिल हुआ है, जो आज से पहले कभी नहीं उतरा। तो जब वो फरिश्ते आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और कहा कि मैं आपको दो नूर की बिशारत देता हूं जो किसी नबी को पहले नहीं दिए गए, सिर्फ आपको दिए जा रहे हैं। और वो दो नूर क्या थे? एक दिया अल-फातिहा और एक दिया सूरतुल बकरा की आखिरी आयात, आमन रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून से लेके एंड तक। और फिर फरमाया कमाल की बात कि जो शख्स इसको पढ़ेगा और इसमें जो मांगा गया है वो मांगेगा, अल्लाह की तरफ से उसको अता किया जाएगा। अल्लाह अकबर, ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए कितना ही बड़ा बेनिफिट है। मुझे अब ये बताएं, हमें इस दुनिया में आए हुए मुसलमान बने हुए 25, 30, 35, 40 साल हो गए, राइट? और शायद हम हर नमाज में सूरह फातिहा को पढ़ते हैं, ठीक है, शायद हर दफा हर रोजाना सोने से पहले सूरह बकरा की आयात पढ़ते हैं, लेकिन हमने कब कब, या तो हमें पता कि कितनों को है इस हदीस का, हालांकि बड़ी फेमस हदीस है, और हमें से पता कितनों को है कि जब भी मैं मांग रहा हूँ अल्लाह ताला से ये दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, मुझे ये अता किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस हदीस के मुताबिक, सही मुस्लिम की ऑथेंटिक हदीस है कि ऐ नबी, मैं आपके लिए दो नूर लेके आया हूँ, आपको दिए जा रहे हैं, इससे पहले किसी और नबी को ये नहीं दिए गए। और वो क्या? सूरत अल-फातिहा और आमन रसूलु, सूरह बकरा की आखिरी आयात। और जो शख्स इनमें जो सवाल करेगा, यानी इन आयात को पढ़ेगा और इसमें जो सवाल, दुआएं तो हैं इसमें, अल्लाह ताला उसको अता कर देंगे। मतलब मेरे आपके मांगने में कमी कोताही हो सकती है, अल्लाह के देने में कमी कोताही नहीं हो सकती। एक और हदीस में आता है, अबू सईद बिन मुअल्ला, सही बुखारी में हदीस है, फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ा था, आप सल्लम आए और आपने मुझे बुलाया, पुकारा, तो मैं नहीं गया, मैंने नमाज कंप्लीट की और फिर मैं गया। तो अल्लाह के मैंने फरमाया कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? सईद बिन मुअल्ला कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ा था या रसूलल्लाह। तो आपने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिरसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की बात का जवाब दो, यानी अल्लाह की पुकार को सुनो, अटेंड हिज कॉल व्हेन दे कॉल यू। तो वो शर्मिंदा हुए, तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हें कुरान की एक अजीम सूरत आज इस मस्जिद से निकलने से पहले बता के जाऊंगा। तो आप सल्लम अपने कुछ काम में मसरूफ हो गए और उठ के मस्जिद से जाने लगे, यानी आप सल्लम उसको उनके जहन से निकल गया था। तो सईद बिन मुअल्ला ने कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपने मुझे कुछ बताना था। उन्होंने रिमाइंड कराया और आपने कहा, الحمدللہ رب العالمین هي سبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیتو الحمدللہ رب العالمین, تمہیں میں بتانے لگا ہوں جو قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے نا وہ یہ ہے, هي سبع المثانی, یہ 7 often repeated آیات والی سورت ہے جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے, والقرآن العظیم, اور یہی تو ہے قرآن عظیم, الذي اوتیتو جو مجھے عطا کی گئی ہے, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा को कुरान अजीम कह दिया और इसी को कहा सबुल मसानी, यानी जो कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं। और ये मक्की सूरत है,